नमस्कार अर्ग सुपरफास्ट को स्वागत करुच्छाई महकिला पश्चिम ओडिशा नुआखाईर परसरे उत्सव मुखर है गांठु सहर मां समलेश्वरी निकट में लगी नवान्न पूर्व निर्धारित लग्न अनुसार मां निकट में लगला नुआ मां समलेश्वरी समेत 115 पार्श्व देवादेवी निकट में नवान्न लगी पूरा पश्चिम ओडिशावासी घर नवान्न खाई देखा मिली मां को प्रथम शस्य लगी होगापर पर समस्ते नुआ अन्न खाई परस्पर को भेटा सह शुभेच्छा जनाई कृषि भित्तिक पर्व पालन को नहीं पूरा पश्चिम ओडिशा रे खुशी परिवेश देखा मिली नुआखाई अवसर में शुभेच्छा जनाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिया रे ट्वीट कर नुआखाई जुहार लिखिंट प्रधानमंत्री यह पवित्र अवसर में समस्त शुभकामना जनाई से केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह नुआखाई शुभेच्छा जनाई सेपरी नुआखाई अवसर में पश्चिम ओडिशावासी को शुभेच्छा जनाई मुख्यमंत्री नवीन पटनायक कौशली भाषा में पश्चिम ओडिशावासी को अभिनंदन जनाई मुख्यमंत्री मुई आपन आर आपन कर परिवार रो सुख समृद्धि कामना करुछे मां समलेश्वरी समस्त को भल रे रखुन नुआखाए केवल एक पर्व नुहे यह आम परिचय आम कला और संस्कृति रो परिचय आम परंपरा रो परिचय आम भाईचारा रो परिचय व्यक्ति नुहे समाज ही श्रेष्ठ समाज भीतरे ही व्यक्ति रो सर्वोत्तम विकास होई थाए यह ही नुआखाई रो बार्ता आम माटी रो ए महान पर्व को आसंतु मन भरी उपभोग करिबा खुशी बांटिबा समस्तंक जीवन को खुशी रे भरी देबा पाए काम करी चालिबा ताही हेबो जीवन रो सार्थकता और श्रेष्ठ उत्सव जय मां समलेश्वरी। अन्यपटे नुआखाई अवसर में केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान पश्चिम ओडिशावासी को शुभेच्छा जनाई नुआखाई जुहा कही समस्त मंगल हो से कामना कर एक वीडियो माध्यम रे ट्वीट कर शुभेच्छा जनाई धर्मेन्द्र नुआखाई अवसर में परम आराध्य मां समलेश्वरी मां पाटलेश्वरी मां माणिकेश्वरी मां सुरेश्वरी मां रामचंडी मां शिखरवासिनी पाद तले भक्तिभरा प्रणाम जनाऊ धर्मेन्द्र प्रधान पवित्र नुआखाई अवसर रे ही आमर समृद्ध संस्कृति और परंपरा को आगे ने पश्चिम ओडिशार समस्त भाई भोनी और गुरुजन मानू अभिनंदन महान पर्व नुआखाई अवसर रे परम आराध्य माँ समलेश्वरी माँ पाटणेश्वरी माँ माणिकेश्वरी माँ सुरेश्वरी माँ रामचंडी माँ शिखरवासिनी पाद तले भक्ति भरा प्रणाम जनाऊँ चाष जमि नुआ शस्य को देखि उल्लसित होगा वो नुआ शस्य को पूजार्चना करी भगवान को अर्पण करिबा परे माँ माटी को कृतज्ञता जनाइबार अनन्य पर्व होची नुआखाई महान पर्व नुआखाई रे परिवार एवं बंधु बांधव मानक सह मिसी खाइबा एवं परे निज परिवार एवं समाज रो वयोज्येष्ठ मानक मुंडिया मारी जुहार करिबा नुआखाई रो विशिष्ट परंपरा। इस्तफा दे गुजरात मुख्यमंत्री विजय रूपाणी राज्यपाल को भेटी निज इस्तफा देते विजय तेज हठात कहीं एभली मुख्यमंत्री पदर विजय इस्तफा देते स्पष्ट होना एपरिक दल पक्षर कौन सूचना मिलना तेज इस्तफा देवापर विजय रूपाणी कहते दल ने यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया मत पांच वर्ष जाए मुख्यमंत्री दायित्व मिलता दल जो दायित्व देवा ताक ग्रहण करी एभली दायित्व देजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद जनाई विजय दुईट पाड़ में पांच वर्ष मुख्यमंत्री रही विजय 2016 प्रथम थरपाई मुख्यमंत्री आसन में बसी आनंदीबेन पटेल को स्थान में विजय को बाछी बीजेपी यहां पर 2017 विधानसभा निर्वाचन पर दल विजय को ही मुख्यमंत्री करी। गुजरात के विकास की यात्रा में गत पांच वर्षों में मुझे भी योगदान करने का जो अवसर मिला उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत आभारी हूं, आभार प्रकट करता हूं। मेरा मानना है कि अब गुजरात की विकास की यह यात्रा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नए उत्साह नई ऊर्जा के साथ नए नेतृत्व में आगे बढ़नी चाहिए। यह ध्यान रखकर
मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद के दायित्व से त्याग पत्र दिया है। संगठन एवं विचारधारा आधारित दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी की यह परंपरा रही है, समय के साथ साथ कार्यकर्ताओं के दायित्व भी बदलते रहते हैं। दिल्ली निर्भया भली मुंबई में लोमटांकुरा घटना महिला को दुष्कर्म पर अति विभत्स भाव संवेदनशील अंगे रड भर्ती कर दुर्वृत्त चिकित्सा बेले मेडिकल महिला मृत्यु घटने सूचना रही। मुंबईर साकिनाका अंचल खैरानी रोड में एक बर्बर कांड घटाई दुर्वृत्त जड़े 32 वर्षीय महिला यार शिकार होती। मुंबई पुलिस सूचना अनुसार गत भोर 3:30 समय एक कल आ खैरानी रोड में महिला जनक रक्त जुड़बुड़ हो अचेत अवस्था पड़ते। पुलिस घटनास्थल में पहुंच पीड़िता उद्धार कर घटकोपुर राजवाड़ी डाक्तरखाना भर्ती कर। आईपीसी धारा 376 अर्थात दुष्कर्म और धारा 307 अर्थात हत्या उद्यम मामला रुजु कर तदंत कर पुलिस। एभली नृशंस कांड जन को गिरफ्त कर। अन्यपटे मुंबई में लोमहर्षक घटना को नहीं प्रतिक्रिया रखिंट दिल्लीर बहुचर्चित निर्भया मां आशा देवी से ही घटन पीड़िता श्रद्धाजलि जन दोषी विरोध में दृढ़ कार्यानुषान दावी करहूर्त पीड़िता पर ढड़ा हो आश्वासना देते। जो घटना हुई है मैंने भी सुना है और महिला की डेथ हो गई है। सबसे पहले मैं उनको अपना श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। भगवान से प्रार्थना है उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन ये बहुत दुखद है और सबसे दुखद ये है कि ये घटनाएं रोज हो रही हैं, हर जगह हो रही हैं। लेकिन हमारा शासन प्रशासन सरकार इस पे सक्रिय नहीं है। मुजरिमों ने तो 2012 का सबक ले लिया, उन्होंने सबक ले लिया और भी बच्चियों के साथ ऐसे ही क्राइम कर रहे हैं जैसे इस महिला के साथ किया है। 2012 की घटना दोहराया है, उसको बुरी तरह पीटा है, मारा है, महिला की जान चली गई। बात यह है कि क्या महिला की जान चली गई, क्या उसको इंसाफ मिलेगा, उस मुजरिम को सजा मिलेगी? अभी मुझे नहीं पता कि अभी तो ये सुनने में आ रहा है कि एक अरेस्ट हुआ है, अगर और हैं तो कब अरेस्ट होंगे? तो हमारा उनके परिवार के साथ हमारी पूरी संवेदना। आज अहमदाबाद स्थित सरदार धाम भवन लोकार्पण कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे लोकार्पण सह सरदार धाम फेज 2 कन्या छात्रालय भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित हो 2000 छात्री रहा व्यवस्था हो। सरदार धाम शिक्षागत तथा सामाजिक परिवर्तन समाज दुर्बल वर्गर उन्नति और युवकों रोजगार सुजोग प्रदान दिगरे कार्य कर आर्थिक स्थित दुर्बल छात्र अत्याधुनिक और आधुनिक सुविधा उपलब्ध रही। एहि कार्यक्रम में गुजरात मुख्यमंत्री विजय रूपाणी उपस्थित रहते। वैक्सीन नेबा परे भी सृष्टि होनी आंटीबॉडी, टीका नेबा परे भी 20% को पाखरे आंटीबॉडी सृष्टि होनी। अगस्त रु सेप्टेम्बर प्रथम सप्ताह भितर राज्य में 600 सैंपल को जेनम सिक्वेंस कर 425 डेल्टा वेरिएंट बाहरी अन्य सब सैंपल अन्य वेरिएंट तेज कौन नुआ म्यूटेशन चिन्हट होनी। जनवरी वर्तमान सुधा ओडिशा रे 6000 सैंपल जेनम सिक्वेंस होई। डबल डोज पर बुस्टर किंबा तृतीय डोज देवा चली अनुधान तेज समान कंपनी रो किंबा अन्य कंपनी रो डोज दिया जबो या कोनी विश्लेषण करा जाउ छी। खूब शीघ्र भारत सरकार संपर्क रे घोषणा करबे। अधिक सैंपल रो जेनम सिक्वेंस रे ओडिसा देश रो 4 नंबर होई छी। एने सूचना दिछंती आईएलएस निर्देशक अजय परिडा। कटक दशहरा रे परंपरा मुताबक बड़ मूर्ति तैयारी अनुमति पुणि थे राज्य सरकार को निजर निष्पत्तिर पुनर्विचार नवेदन कला कटक शांति कमिटी और पूजा कमिटी। 16 तारीख सुधा एने निज निष्पत्ति जनवाक कहला कमिटी। निष्पत्तिर पुनर्विचार करने राज्य सरकार को अनुरोध आज साधारण सभा में सर्वसम्मतिक्रमे निष्पत्ति। सहरवासी भावावेग को सरकार विचार को नियंतु बैठक पर कटक सांसद भर्तृहरि महताब कहते। सेपर 17 तारीख दिन शांति कमिटी और पूजा कमिटर आयोग बैठक अनुषित हो। बैठक में सर्वसम्मति क्रमे दुईट प्रस्ताव आज गृहत है। गोटे प्रस्ताव हूँ स्वाभाविकता रक्षा कर माँ को मूर्ति निर्माण करापाई प्रशासनिक अनुमति मिलू एवं दुईरे कोविड गाइडलाइन को पालन कर माँ को पूजा अर्चना पार्वण समय एटी लक्ष्य करार कथा हूँ गत काली जो कोविड गाइडलाइन
पूजा पार्वण पर राज्य सरकार घोषणा कर तार पुनर्विचार करने आज ये सभा सर्वसम्मति क्रमे एक प्रस्ताव ग्रहण कर मुख्यमंत्री को जो चिट्ठी दिया पक्षर जिते बड़े ये पदाधिकारी मैंने आम सहित आलोचना कले प्रत्यक्ष भाव में आज सेंस ऑफ द हाउस प्रत्यक्ष भाव में मुख्यमंत्री सागर आलोचना करने जो भावावेग प्रकाश पाई सेटा को ठिकाना भाव सिल्वर सिटी में जमी ठकई हाई प्रोफाइल जमी ठक को गिरफ्त करी कटक कमिशनरेट पुलिस जमी नारे 60 लाख टंका ठकई अभियोग गिरफ्त कर गुरुत्वपूर्ण कागजपत्र तैयारी करी माने बैंक रु लोन नहीं बैंक रु माने कोटि कोटि टंका ठकी नहीं तबे कमिशनरेट पुलिस एमानंकु गिरफ्त करी बहु गुरुत्वपूर्ण कागजपत्र जब्त करी लालबाग थाना अंचल रे एही घटना घटी लालबाग पुलिस गोटे गैंग को अरेस्ट करी ये गैंग रो काम होउची बैंक को जाई नकली कस्टमर नकली श्योरिटी और फर्ज कबला आर ओ आर सब देठू से माने लोन नौचंती और से लोन नहीं तक, तक बैंक को फ्रॉड करुचंती ये गोटे रेगुलर ये सब टाइप रा फॉर्जरी और फ्रॉड टाइप रा काम रे इनवॉल्वड गैंग अच्छी आगरू भी माने ये सब फेक लोन ऑन फेक आइडेंटिटी ये सब काम करिसेंती आमो पखरे कटक मंगुली छकरु धराहला गंजे बोझे कंटेनर एही कंटेनर भितरु विपुल परिमाण रो गंजे जबत होई छी जहार ओजन प्राय 520 किलोग्राम हेबो एही गंजे ओडिसा रो दिल्ली चालान होतला तबे नार्कोटिक कंट्रोल ब्युरो रो स्पेशल टीम एहा को जबत करी छी तबे कंटेनर को जबत करी छी स्पेशल टीम घटना रे ड्राइवर को गिरफ्त करी छी एनसीबी एसीबी मेडिकल रे पुणी चिकित्सा अवहेला अभियोग दुष्मंत दास विवाद थमी नथिबा बेले पुणी आउ एक अभियोग सामना को आसी गत 8 तारीख रे कंदरपुर थाना अंचल अथंका गुलिकांड घटना रे आहत हो एसीबी मेडिकल रे भर्ती होता क्षीरो चंद्र साहू को परिवार लोके अभियोग करिसेंति एमितिकि तीन दिन बीती जाइथिले मध्ये एजे आहत को बेड मिले नाही परिवार लोके बारंबार चिकित्सा पई कहतिले मध्ये केही सुनो नाहती अनपटे पुलिस पक्षर मध्ये कोनोसे सहयोग मिले नथिबा अभियोग आनिसेंति आहत क्षीरोदको झियो बिफोर थ्री डेज बापा ये आडमिट होते पुलिस आने आडमिट कराइला आमको सब न्यूज देले कि एमती फायरिंग केस होंड आम आसला सीटी स्कैन वगैरह सब होता बट तापरठू कहले संध्या बेले ही ओटिक नहीं जी एंड न्यूज रे पब्लिक एसी वाला कि ओटिक जाते बट एपर्त भी गुड़ बाहर अभी भी गुड़ गोड़े अच्छे डॉक्टर पाई तो बहुत जगह बुलिलु कि इनचार्ज अच्छा भी नर्स मैंने कहवा को राजी ना इनफैक्ट से ना भी जानना डॉक्टर के तरह आसबे एत बड़ मेडिकल है कि बेटाडिन वॉश कपड़ा हरिका सब से सब किछ दोना कि मेडिसिन मेडिसिन में दोन दिन सकाळे सालाइन जोंती आ सकाळे संध्या समय रे इंजेक्शन दारो डॉक्टर असना चेकअप करियो चेकअप पई ठीक समय रे आसला आमे तो निश्चित भाव में जहाँ अभियोग आसी अभिका भी आप जो विषय कहते आम खंडन करूँ बर्तमान एवं आप देखु आप जानवाक चाहते बर्तमान से लोक देह जो गुड़ बाजिला से गुड़ कहीं कड़ा कि आप जानते जे बर्तमान गुड़ जत जनक देह पशे जे सब से काढ़ा जरूरी सेमती किसी माने ना यूजुआली जोबले गुड़टा देह बाजे एवं से गुड़टा जदि भितर को जा क्षति कर जगार इमिडिएटली आम ऑपरेशन कर काढ़ू जो गुड़ गुराक बाजे एवं से किसी क्षति हबार ना बर्तमान जो गुड़ बाजवा द्वारा कौन सी क्षति हम नहीं कि गुड़टा एमती जगार थी जो जगार आम जब ऑपरेशन करने को जीवु तार बेसी डैमेज हम से जगार भी आम गुड़ काढ़
ब्रेक पर स्वागत। देढ़ वर्ष धरी महामारी कोरोना रे ऑटो चालक संघ नाइन असुविधा पड़ी किस्ती आधार में अनेक ऑटो चालक ऑटो किणी कि वर्तमान पैसा सुझी न पारू रास्ताघाट ऑटो उठाई ने घर संस्था सेपटे बस साइकिल पार्किंग व्यवस्था थे ऑटो ना भुवनेश्वर सौंदर्यकरण ना ऑटो गुड़िक रास्ता कड़ हटा किंतु पार्किंग जगह देना तेणु आज ऑटो एसोसिएशन प्रेसमिट कर राज्य सरकार को तीनोटी दाबी रखी दाबी को गुरुत्व सहकारे सरकार न ने राजरास्ता को ओह्लैबे ऑटो चालक संघ बोली चेतावनी दी संघ महामारी देढ़ वर्ष भितर बड़ दाबी थी केन्द्र सरकार पाखे जे ऋणर इनस्टलमेंट टाक बैंक जरिया आम जो आनीचु ताकू कोहल कर दि जाऊ तार ईएमआई टाक जमी छाड़ कर देढ़ वर्ष टाक दि कर बस विचार करागला बड़ गाड़ी कार विचार करागला किंतु ताकू विचार कले ना आम जो राज्य सरकार कहलु राज्य सरकार हस्तक्षेप करूँ आम पाई सुरक्षा मिलू आम पाई कौन से सुरक्षा मिल पारा ना आम से राज्य सरकार पाखे भी दाबी करचार को निजाऊ विशेषकर जमी गाड़ी बाजाप्ति हो बर्तमान बैंक करुच्ची रिहाती दि जाऊ से क्षेत्र में अटो चाल मैंने देढ़ वर्ष अटो अचल है से बैंक ऋण दे पाराना बिल्ली गाड़ी को बाजाप्त करना छड़े ना रास्तार ये व्यवस्था न हो राज्य सरकार केन्द्र सरकार के जरिया जातीयकरण बैंक ठू आरंभ कर बैंक पर हस्तक्षेप कर बंधा हेले फेसबुक क्वीन फेसबुक रे फेक आकाउंट खोली युवकों ठकुले युवकों ठारु 60,000 टंका सह मोबाइल एटीएम कार्ड बैंक पासबुक सह चेकबुक जबत करा जाय छी। फेसबुक क्वीन नारे ठकुथिबा युवती को शहीदनगर थाना पुलिस गिरफ कर निजकु डाक्तर इंजीनियर कही युवकों निज प्रेम जाल में फसाई लुटी थिले फेसबुक क्वीन। खदी और ग्राम्य शिल्प उद्योग कमिशन ओडिशा पक्षर् राज्य में खूब शीघ्र दुईट नुआ प्रकल्प कार्यकारी प्रथमटी है गोबर व्यवहार कर प्राकृतिक रंग प्रस्तुत करने और द्वितीय मनुष्य हाथी भितर विभिन्न समय उपजुवा लड़ई को दूर करने केवीआईसी पूर्वांचल सदस्य मनोज सिंह यह सूचना देते 2020-21 आर्थिक वर्ष में केवीआईसी पक्षर् अनेक कार्यक्रम हाथ को निजाई विशेषकर ग्रामांचल में छोट शिल्प औद्योगिक आर्थिक विकास अनेक कार्यक्रम हाथ को निजाई जहां उच्च प्रशंसित होती। राज्य में गुरु शिष्य परंपरा को उज्जीवित करने विगत दिन क्रीड़ा गुरु और सेमानक शिष्य को लोकलोचन को आने निमंत षष्ठ मुकुंद बराल स्मारकी क्रीड़ा प्रतिभा सम्मान आयोजित हो कार्यक्रम में भुवनेश्वर मध्यम विधायक अनंत नारायण जेना पद्मश्री दिलीप तिर्की आथलेट अनुराधा विश्वाल प्रमुख अतिथि भाव जोगद कार्यक्रम में 5 जन प्रतिभावान क्रीड़ाविद को पुरस्कृत करस्ती गुरु बैद्यनाथ महापात्र एमबी क्रीड़ा सम्मान में सम्मानित कर। केन्दुझर बनखंड तेलकोई रेंज बांसपाल जुआंग साहिरे हाथी आतंक जन वृद्ध को दौड़ेला हाथी हाथी मृत्यु वृद्ध जनक है मकुर नायक मकुर सूचपाई घर निकट पड़िया को जाता बेले दंता हाबुड़ में पड़ते फलर से ही घर पाख पड़िया मकुर को पचाड़ी मारिता दंता तेज एपरी दुर्घटना को नहीं गांव में उत्तेजना सृष्टि होता खबर पाई वन विभाग घटनास्थल पहुंच लोकों बुझासुझा कर। गाधोवाक जाई केनाल पाणी भासी जाई युवकों मृत्यु मृत व्यक्ति जूनागढ़ ब्लॉक चिचेईगुड़ा पंचायत जमुनाबहाल गांव उपेन्द्र भोई बोली जमापड़ी। उपेन्द्र शुक्रवार बड़बापा पुआ नंदु को खुआवा नुआ खाई आने को दासीगा पंचायत तालपदार गांव को जाते सेठे दुहे निकटस्थ केनाल को गाधोवाक जा समय उपेन्द्र पाने में भासी जाते पर लोके खोजाखोजी करने पर पत्ता मिल ना आज अग्निशम विभाग पक्ष उपेन्द्र मृतदेह ठाब कर। टीकाकरण केन्द्र में अनियमित लोकने धाड़ी ढड़ा होता बेले टीकाकरण केन्द्र में टीकार अभाव देखा मिली। कटक टांगी चौदार ब्लक कयल पंचायत टीकाकरण केन्द्र में यह दृश्य देखा मिली। ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग कर लोकने लाइन में ढड़ा होते टीकाकरण केन्द्र को जीवा आसवा ना फल लोकने टीका न नहीं फेरी देखा मिली। कटक जिला उत्कल सम्मेलन आनुकूल्य में नुआखाई उत्सव पालन कर साधारण संपादक श्याम सुंदर साहू के अध्यक्षतार उत्सव अनुषित हो मुख्य अतिथि भाव डाक्टर रवि रंजन साहू मुख्य वक्ता भाव सुरेन्द्रनाथ छोटराय जोगद नुआखाई केवल पश्चिम ओडिशा कृषिभित्तिक पर्व नुहे बर संप्रति और सद्भावनार पर्व अतिथि माने कहते दिन थिला नुआखाई केवल पश्चिम ओडिशार पर्व होता बर्तमान किंतु यह एक ओडिशार गणपर्व परिणत है
ଆମେ 25 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମୟ ଧରି ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରିଆସୁଛୁ। ଆଜି ଆଉ ଏ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ, ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ସବୁ ଆଡ଼େ ପାଳନ ହେଉଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ନୂଆଖାଇର ଯେଉଁ ମୂଳ ଯେଉଁ ଗାଥା ଯାହା ଏଇ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ ଯେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ, ସମନ୍ୱୟ, ଶାନ୍ତି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ଭାଇଚାରା, ତା ଆଜି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଭାଙ୍ଗି ରହିଯାଉଛି ସେ ସମୟରେ ନୂଆଖାଇ ପାଳନର ଯଥାର୍ଥତା ରହିଛି ଏବଂ ଆର ସାରାଂଶଟାକୁ ଅନୁଭବ କରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ସାମାନ୍ୟ ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଛୁରାମାଳ, ଦିଗପହଣ୍ଡି, ଡେଙ୍ଗାବସ୍ତା, ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମାରପିଟ୍ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ମାରପିଟ୍ରେ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀର 4 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର ଆହତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦିଗପହଣ୍ଡି ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ପରେ ଦିଗପହଣ୍ଡି ଥାନା ପୁଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ପାରିବାରିକ କଳହରୁ କରୁଣ ପରିଣତି, ବିଷପି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ଗଞ୍ଜାମ ପାଟପୁର ଥାନା ପୋଡ଼ାମାରୀ ଭଞ୍ଜ ସାହିରେ ଏଭଳି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇ ଭଞ୍ଜ ସାହିର ସନ୍ତୋଷ ଗୌଡ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନୟନୀ ଗୌଡ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ଲାଗିଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷପି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପାଟପୁର ଥାନା ପୁଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ଜମିଦାର ପଡ଼ାରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ, ଦିନ ଦୁଇ ପ୍ରହରରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା। ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡାର କପଡ଼ା ବ୍ୟବସାୟୀ ବିନୋଦ ଜୈନୀଙ୍କ ଘରେ ପଶି ତାଙ୍କୁ କେହି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଘରେ କେହି ନଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଘରକୁ ପଶିଆସି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବିନୋଦଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭଉଣୀ କାନୁନ କୁମାର ଜୈନୀଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଜିଲ୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ୟମ ବେଳେ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଗଜପତି ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଦିନିକିଆ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନର, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମେତ ବହୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ମାଣିକପାଟଣା ଗାଁରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସୀମା ବିବାଦ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମୁହଁ ଖୋଲିନଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ବିରୁହାଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପୂର୍ବ ସାହି ଗାଁର ବିଧବା ମହିଳା ପାର୍ବତୀକର ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କୁ କେବଳ ମାସିକ 500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଓ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି, ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ତ ଘର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ସେ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ମାନବିକତା ଦେଖାଇଲେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ନୀଳଗିରି ମାଟିର ପୁଅ ସରୋଜ କୁମାର ସେଠୀ। ଜଣେ ଅସହାୟ ନାବାଳକର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ନୂତନ ଭାବେ ପ୍ରଥମ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ ପରେ ପ୍ରଥମ କରି ନିଜ ମାଟି ନୀଳଗିରିକୁ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ସଜନାଗଡ଼ଠାରେ ମା ଭୂଦାର ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି। ପରେ ପାଣବଦ୍ଧ ଗାଁର ଜଣେ ମାନସିକ ବିକୃତି ବ୍ୟକ୍ତି ସୁକୁଲ ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କ 5 ବର୍ଷର ପୁଅ ଶିବକୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଶିବର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବାକୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ୟୁଥ୍ ଫର୍ ଆକ୍ସନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବୌରାଞ୍ଚଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ପୁରୀ ସହରର ସଂସ୍କୃତି ଭବନରେ ସଂସ୍ଥାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଯୋଗଦେଇ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ସହ ସମାଜସେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ବେରୋଜଗାରମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଦେବା ସହ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ୟୁଥ୍ ଫର୍ ଆକ୍ସନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂସ୍ଥାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ବହୁତ ସୁଖଦ କଥା ଯେ 15 ବ୍ଲକ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର 15 ବ୍ଲକ ଅର୍ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଉ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଘୋଷଣା ବି ହୋଇଛି। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଟିମ୍ର ବି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଯେ ଏଇଠି ସକାରାତ୍ମକ ବିଚାରଧାରା ନେଇକି ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଡାକ୍ତରୀ ଅଭାବ। ଆଜି ଡାକ୍ତରୀ ପିଜି ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏମ୍ବିବିଏସ୍ ଡାକ୍ତରମାନେ ଓଭାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ 4 ଜଣ ଏମ୍ବିବିଏସ୍ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଖାଲି ବାଲିମେଳା ନୁହେଁ, ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ଉପସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ରୋଗୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆସି ଫେରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ଆଙ୍କୁଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଏଲଗଲ ଗାଁରୁ ଆସିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ଗାଁକୁ ରାସ୍ତାଟିଏ ନଥିବା ବେଳେ ରୋଗୀକୁ ବାଉଁଶରେ ବୋହି ନିଆଯାଉଛି, ଫଳରେ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବା ବେଳେ ନାବାଳକ ରୋଗୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ନାବାଳକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଏଲଗଲ ଗାଁର ଦେବରାଜ କାର୍ଜୀଙ୍କ 8 ବର୍ଷର ପୁଅ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କୁ ଗାଁରୁ ଭାର ଯୋଗେ ପ୍ରାୟ 1.5 କିଲୋମିଟର ବାଘଲଟି ଜଳଭଣ୍ଡା ନିକଟକୁ ଆଣି ସେଠାରୁ ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗାରେ ପାତ୍ରପୁର ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ସମସ୍ତ ରହିଛି ଅର୍ଗସ ସୁପରଫାଷ୍ଟକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।